हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आपके वोटर आईडी में, आपके परिवारजनों के वोटर आईडी में मोबाइल नंबर रजिस्टर है, तो उसको डाउनलोड कैसे करेंगे पीडीएफ में? तो इसके लिए एक छोटा सा ऐप है, प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको वोटर हेल्पलाइन नाम का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसको। और यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड ई पिक का नाम ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। न्यू यूजर है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी सेंड करना पड़ेगा और कुछ बेसिक जानकारी आपको डालकर आईडी बनानी पड़ेगी। हमारी आईडी पहले से बनी हुई है, मैं यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन कर लेता हूँ। सेंड ओटीपी पर क्लिक करूँगा, एक ओटीपी हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर चली जाएगी। हमको ओटीपी का वेट करते हैं और ओटीपी हमने यहाँ पर डाल लिया है, ये लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर डाउनलोड ई पिक वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास एपिक नंबर है या रेफरेंस नंबर है तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास एपिक नंबर है, यहाँ पर एपिक नंबर डालेंगे। एपिक नंबर मतलब वोटर आईडी का नंबर जो होता है उसको यहाँ पर डालेंगे, और आपका जो स्टेट है उसको सिलेक्शन यहाँ पर करना होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर डिटेल पर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स हमारे पास इस तरह से आ जाएगी इस वोटर आईडी की। यहाँ पर आप लोगों को प्रोसीड करना पड़ेगा। प्रोसीड बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपकी ओटीपी चली जाएगी। ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट करना है, ओटीपी आ चुकी है। वेरीफाई एंड डाउनलोड ई पिक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास वोटर आईडी का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा इस तरह का। फ्रेंड, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।